मुकेश सहनी राहुल गांधी का नाम क्यों लेने लगे हैं? मुकेश सहनी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, बिहार की राजनीति में आजकल उनको सब लोग जानते हैं, उनकी अपनी पार्टी है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी। इसके अलावा मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और लगभग सभी गठबंधनों का आनंद भी वो बिहार में ले चुके हैं। महागठबंधन जो आज के दिनों में इंडिया गठबंधन के तौर पर जाना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, दोनों तरफ मुकेश सहनी रह चुके हैं और मुकेश सहनी का रथ इन दिनों निकला हुआ है और वो चर्चा में है। दो कारणों से चर्चा में है मुकेश सहनी। एक तो 4 करोड़ का बहुत ही शानदार राजसी रथ लेकर मुकेश सहनी निकल पड़े हैं और इसके अलावा इस बात को लेकर के भी चर्चा में है कि जब देश की राजनीति दो ध्रुवीय गठबंधन में बंटने लगी है, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ एनडीए, और मुकेश सहनी इन दोनों में से कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी गठबंधन में जाएंगे इसको लेकर के वो साफ कहते हैं कि भाई 4 नवंबर को उनकी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद वो इस बात का ऐलान कर देंगे कि उनकी पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी। फिलहाल मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर घूम रहे हैं और ये जानकारी दी जा रही है कि वो बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उनका रथ जाएगा। वो निषादों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और सन ऑफ मल्लाह उनका एक तरीके से निक नेम भी हो गया है, लोग उनको सन ऑफ मल्लाह के नाम से ही जानते हैं। तो अपने रथ को लेकर चर्चा में है और वो लगातार हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ छोटी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और मुकेश सहनी राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम तो वो नरेंद्र मोदी का भी ले रहे हैं, नाम तो वो नीतीश कुमार का भी ले रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी अपनी सभाओं में लोगों से कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मुकेश सहनी कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मेरा लक्ष्य हमारे समाज को आरक्षण दिलाना है। मुकेश सहनी निषाद समाज के आरक्षण की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी हमारे समाज को आरक्षण दिलाएगा हम उस गठबंधन के साथ जाएंगे। तो अब सवाल पैदा होता है कि भाई आरक्षण दिलाएगा कौन? हम फिर से आपको बता दें कि वो अपना रथ लेकर बिहार के अलावा यूपी और झारखंड के भी कुछ इलाकों में जाएंगे। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए है। अब भाजपा चाहेगी तभी तो निषादों को एससी में शामिल किया जा सकता है, अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर आरक्षण दिया जा सकता है, चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है। लिहाजा मुकेश सहनी का जो आकर्षण कह ले या मुकेश सहनी की जो कह ले कि मांग है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है, वो बीजेपी से ही इस बात की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने उनको सिक्योरिटी भी दिया है वाई श्रेणी का, या हालांकि इसको लॉलीपॉप या झुनझुना कहा जा रहा है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, उनके विधायकों को तोड़ दिया, उनको मंत्री नहीं रहने दिया। मुकेश सहनी भी चारों तरफ घूम रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को ये नागवार गुजर रहा था। लिहाजा उन्होंने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम लेकर एक तरीके से साफ कर दिया है मुकेश सहनी ने कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो सूत्र कहते हैं और जो मुकेश सहनी जो बयान दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएंगे। हालांकि राजनीति में कथनी और करनी अलग अलग चीज़ें हैं, नेता कब क्या कह दें क्या कर दें किसी को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी जो मुकेश सहनी का बात करने का लहजा है, जो वो बयान दे रहे हैं, वो जाहिर तौर पर लगता है कि वो इंडिया की तरफ जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ, और इंडिया गठबंधन उनसे इस बात को लेकर के वायदा कर सकता है कि अगर हम सत्ता में आते हैं हमारी सरकार बनती है तो हम निषाद समाज को मल्लाह समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल कर आरक्षण देंगे। तो मुकेश सहनी भी बड़ी दिलचस्प राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। मुकेश सहनी पर भी लोगों की निगाहें हैं कि आखिर वो क्या करेंगे, क्योंकि बिहार में स्थिति तो लगभग सब स्पष्ट हो चुका है, कौन किसके साथ ये सबको पता है, मुकेश सहनी का अब तक अता पता नहीं है और मुकेश सहनी पर निगाहें सबकी हैं कि वो क्या करेंगे। देखना सुनना जानना बड़ा दिलचस्प होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।